हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं हूं कश्मंड और आप देख रहे हैं निशमिको सेल्फ यूनिक। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बीम के बारे में फुल डिस्कशन करने जा रहा हूं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बीम, क्या क्या पढ़ना चाहिए बीम में, ये भी डिस्कस करने वाला हूं। कैसे बीम में आप सिलेक्शन ले सकते हो, इजिली जॉब ले सकते हो, ये भी डिस्कस करूंगा। और आप कौन सी मिस्टेक्स करते हो बीम में, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो। समझते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी बीम के बारे में जानना है वो यहां से लेकर लास्ट तक देखिएगा। उसका रीजन ये है कि आप समझ पाओगे एवरीथिंग अबाउट बीम। अगर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, बट अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद लाइक करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, इस तरह की मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं और इस मिस्टेक से हमारा ये लॉस हो रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हो, समझते हैं क्या होता है बीम। बीम दोस्तों, आप सबको पता है इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। ये क्या है और क्यों जरूरी हो रहा है और क्यों इसमें इतनी ढेर सारी जॉब निकल रही है। गाइज, आप सबको पता है कि जो भी हम लोग ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या फिर जो करते हैं ऑन साइट कंस्ट्रक्शन, बहुत से हमारे लॉसेज हो जाते हैं। कैसे लॉस हो जाते हैं? कभी कभी कोई कोई यूनिट सेल ही नहीं होता है। यूनिट इन द सेंस कोई 2 BHK 3 BHK सेल ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन का इशू आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल ऐसे जगह हो गया जहाँ पे हमें पार्किंग रखना था। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बिल्डिंग का एलिवेशन ही लोगों को पसंद नहीं आता, बिल्डिंग हमारी सेल ही नहीं हो रही है उस प्राइस में जिस प्राइस में हमने सोचा था। कभी कभी ऐसा होता है कि गार्डन हमने बनाया बट इतना कंजेस्टेड गार्डन हो गया कि अब जो लोग बिल्डिंग देखने आ रहे हैं वो गार्डन की वजह से डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हैं, बिल्डिंग को खरीद नहीं रहे। ऐसे बहुत ढेर सारे इश्यूज बनते चले जाते हैं जब डायरेक्ट ऑन साइट कोई काम करते चले जाओ। ये कुछ इसी तरीके से है कि बिना प्लान के करियर अपना डेवलप स्टार्ट कर दिया। भाई चलो आज ये पढ़ लेंगे, कल SA1 पढ़ लेंगे, कल SOM पढ़ लेंगे, फिर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। वैसा ही बिल्डिंग में भी होता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया कि जो भी चीज हम लोग ऑन साइट करने वाले हैं पहले उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे यानी लैपटॉप पे करके देख ले। उससे क्या होगा भाई, लैपटॉप पे करके देखने से फायदा यह होगा कि जो भी अगर मुझे एलिवेशन पसंद नहीं आ रहा है मैं लैपटॉप पे पहले एलिवेशन चेंज कर लूंगा। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा जो एरिया है गार्डन का बहुत कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं लैपटॉप पे उसको पहले बड़ा कर लूंगा, फिर उसके बाद बात का प्लान सोचूंगा। स्विमिंग पूल अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस जगह पे प्राइवेसी के साथ अच्छे से बना रहेगा तो मैं उस जगह को पहले से देख लूं कि यार कैसा दिखेगा। हम अगर हमको देखना है कि सोलर पैनल क्या सफिशियंट लाइट देख पाएंगे तो सब कुछ हम लैपटॉप पे ही पहले चेक कर लें कि कितने किलोवाट का हमको बैटरी यूज करना पड़ेगा जिससे कि हम हर जगह पर सप्लाई दे सके। मीन्स एवरीथिंग जो भी ऑन साइट होने वाला है, इवन फैन तक जो चलाने वाले हो, फैन में कोई इशू तो नहीं आएगा। कल को अगर बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें MEP का प्लान करोगे तो उसमें जो HU डालोगे और क्या बोलते हैं जो MEP की प्लानिंग होती है ना फायर फाइटिंग वगैरह की, क्या वो सफिशियंट है, क्या वो सही तरीके से लगेंगी। ये सारी चीजें जो भी ऑन साइट करने वाले हो वो चीज पल लैपटॉप पे कर लो। प्रॉपर अगर वो वर्क कर रहा है तब उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजो। उसे पता है क्या होगा, अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत नॉमिनल मैं बता रहा हूं, तो आप कम से कम उसमें 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सेविंग करते हो छोटे से काम को करने से। क्यों भाई, अब ना आपको एलिवेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, ना गार्डन में, ना ही पावर सप्लाई में। मीन्स एवरीथिंग आप पूरी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। इसी को बोलते हैं दोस्तों बीम। और आप सबको पता है मार्केट में बीम जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। जॉब्स गाइड वाला चैनल आप सब देखते होंगे, मेरा ही चैनल है, तो जॉब्स गाइड पे मैं रेगुलर बीम की ओपनिंग्स लेके आता हूँ। आप लोग देखते हैं बीम की बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स रहती है और फैक्ट भी यही है, बीम के अंदर बहुत ढेर सारी सब प्रोफाइल्स है। अगर क्या बोलते हैं आप लोग इंटरेस्टेड आगे देखिए, मैं आपको सब डिस्कस करके बता रहा हूँ। बीम में जॉब ज़्यादा क्यों है ये समझना जरूरी है। बीम में ज़्यादा जॉब क्यों है भाई, क्योंकि बीम के अंदर बहुत ढेर सारे प्रोफाइल्स का काम है। कैसे, बी में बी मॉड्यूलर की भी जरूरत पड़ती है। एक ओपनिंग फिक्स हो गई, भाई बी मॉड्यूलर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, रुके रहो, बता रहा हूँ ना। दूसरा बी में हो गया कि भाई 3D रिटेलर चाहिए इसको, मतलब 3D स्ट्रक्चरल रिटेलर चाहिए। कॉलम में कितना स्टील लग रहा है, बीम में कितना स्टील लग रहा है, इसकी भी एक प्रोफाइल है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें एनिमेशन भी हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखेगा, ठीक है, मतलब इस ये कैसा दिखेगा, बालकनी कैसे दिखेगी, वर्चुअल हम सोच पाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से इसमें जॉब है। इसमें जॉब है कि जो फाइल्स हम बना रहे हैं उसको चेक करना है, टेक्ला चेकर्स होते हैं इसके अंदर। टेक्ला के ढेर सारे अलग अलग प्रोफाइल्स है, टेक्ला मॉड्यूलर है, टेक्ला चेकर है, टेक्ला डिटेलर है, टेक्ला एडिटर है, ऐसे बहुत ढेर सारी प्रोफाइल्स बीम के अंदर इंक्लूड है। इसकी वजह से ओपनिंग्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसका भी इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, मतलब टिपिकल स्ट्रक्चर्स में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके लिए आप फोकस करिए बीम में। अब बात आती है बीम सीखें कैसे, तो बीम को सीखने के लिए आप सब देखते होंगे मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की फीस ले रहे हैं। मैं आपको बोलूं ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि बीम जो है वो आता है प्रैक्टिस से।
बीम में जैसे आपको सबसे बेसिक प्रोफाइल होती है 3D मॉड्यूलर, मॉड्यूलर वही अच्छा हो सकता है जो ढेर सारी बिल्डिंग्स बनाए, रफ प्रैक्टिस करे बिल्डिंग्स को बना के, लोगों को शेयर करे कि देखो मैंने ये बिल्डिंग बनाया हुआ, जो प्रैक्टिस करे। ये प्रैक्टिस पैसे से कभी नहीं आ सकती है। आपको नॉर्मल जो सीखना है वो सीखना है रेविट, लेकिन जो प्रैक्टिस करना है ये पैसे से कभी प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। पैसे से प्रैक्टिस होती तो बहुत से लोग हैं जो पैसे देकर सीख लेते हैं एक ही घंटे में, क्यों इतना टाइम बर्बाद करते हैं। तो इस चीज को समझो कि इसमें 1.5-2 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग हैं, इवन मैं खुद, मतलब यूनिक सिविल आप एप्लीकेशन पे भी देखोगे तो 6,000 रुपीज में कंप्लीट बीम का पूरा 180 घंटे का पूरा लेक्चर ही हमने डाल रखा है। हमारा अगर आपको पसंद आता है यू कैन डू डेट फॉर दैट, और उसके अलावा अगर हमारा नहीं तो किसी और का देखो, नॉमिनल फी में देखो, इतना ज़्यादा फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया डिजिटली एक्टिव हो रही है, अगर अभी भी आप 1-1.5 लाख में एजुकेशन ले रहे हो, मतलब ये एक तरीके से बेवकूफ़ी मैं बोलूँगा। और इस क्योंकि मेरे को पता है कि बीम के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस लगता है, तो आप हमारे जैसे लोगों के ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं। अभी हम लोग के पास ऐसे ऑफर भी आते रहते हैं, सभी ईद मुबारक का ऑफर है, ईद मुबारक में आपको 6,000 का जो कोर्स है बीम का, जिसके अंदर रेविट और टेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमएपी, ऑटोकैड, स्केचअप, नेविसवर, 3ds मैक्स और टिकला, पूरा सेट ही है, ठीक है, उसके साथ बीम के सारे कॉन्सेप्ट। जब वो ईद मुबारक कोड लगा के 3,000 मिल रहे, दैट इज सफिशियंट फॉर कोर्स, क्योंकि कोर्स से आपका कुछ नहीं होने वाला। कोर्स में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे होता है, परफेक्शन कैसे आएगी? तो परफेक्शन आता है प्रैक्टिस से। और जॉब कैसे मिलती है? जॉब मिलता है पोर्टफोलियो से। तो मैं अपने हर एक बच्चों को बोलता हूं पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मतलब आउटपुट, आपने एग्जैक्टली जो जो प्रैक्टिस किया उसका एक पूरी फाइल समराइज करो पावर पॉइंट के अंदर, मैंने बताया हुआ है कोर्सेस में, तो पावर पॉइंट में पूरा का पूरा समराइज करो। समराइज करने के बाद उसको सामने वाले को प्रेजेंट करो। तुमने मुझे फोन किया कि सर मैं 3D मॉडलिंग करता हूं, आप मुझे जॉब दोगे क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, यार अपना पोर्टफोलियो भेजो, मैं देखता हूं कितने तुम अच्छा करते हो। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुमने 1.5 लाख रुपए देकर सीखे थे कि 1 लाख रुपए देकर सीखे थे, ये सिर्फ हवा हवाई होती है। तो इसके लिए मैं सीधे विरुद्ध हूँ, क्योंकि अगर आप इतने पैसे इंजीनियरिंग में डाले हो उसके बाद 1.5-1 लाख रुपए डाल रहे हो या फिर 50-60 हज़ार भी डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा ही है। समझो इस चीज़ को, आप नॉमिनल फी में आराम से सीखो। अदरवाइज मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब से सीखो यार, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे लोगों ने फ्री कंटेंट डाले, इवन मैंने खुद रेविट के सारे कंटेंट फ्री डाले हैं। चलिए तो ये तो हो गया सीखना। मैं आपको सीखने के लिए फिर आज सजेस्ट करूंगा कि 3000 में आपको डाउट लेक्चर मिल रहा है, मतलब मैं खुद वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाता है, सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, रिसर्च पेपर मिल जाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो यूनिक सिविल एप्लीकेशन तो मैं हमेशा बेस्ट ही बोलूंगा, और ऑफकोर्स मैंने आपको उसमें जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको वॉच करके आप खुद डिसाइड करिए कि कौन बेस्ट है। चलिए ये तो रहा कि हम सीखेंगे कैसे। अब जॉब कैसे लगती है? तो जॉब लगने के लिए इसमें दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर है कि आपको जो काम है वो प्रैक्टिकली आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में आके आपके साथ डिस्कस करूं, तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में आपको रेविट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर में आपकी अच्छी पकड़ है और रेविट फैमिली में, तो पहले तो आप एक जॉब तो फिक्स कर चुके हो, रेविट मॉड्यूलर की या फिर रेविट डिटेलर की, यहां से जॉब लग जाती है। इसके बाद और थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करते जाओ, आपकी सैलरी इनहेंस होती चली जाएगी। बी में एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें 15,000 रुपए से जॉब आपकी स्टार्ट होगी और 1.5-2 लाख रुपए मंथली की सैलरी आप उठा सकते हो 5 से 6 साल, 7 साल के एक्सपीरियंस में। इस डिपेंड कि आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हो, एमएनसी में काम कर रहे हो कि मिड लेवल कंपनी में काम कर रहे हो। 1 लाख रुपए का पैकेज एमएनसी में 5 साल के बाद आराम से बीम में उठा सकते हो। आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, 1 लाख रुपए का सिविल पैकेज मिलता है? यस मिलता है। आप चेक करिए जितनी भी एमएनसीज हैं, मैंने पीछे एक लिस्ट बनाया था 250 कंपनियों का लिस्ट, आपको यूट्यूब पर शेयर किया हुआ है, 250 कंपनीज BIM कंपनीज इन इंडिया, आप सर्च करिए और उसमें एक से बढ़ के एक एमएनसीज हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उनके पैकेज क्या है। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं इसमें। अब तो सॉफ्टवेयर में आपको रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर अच्छे से पकड़ बनाना है। इसके बाद अगर आप पढ़ सकते हो तो स्केचअप पढ़ लीजिए, और अच्छी सैलरी पाने के लिए आप नेविसवर्क पे काम करिए। नेविसवर्क में 4D और 5D का पूरा काम हो जाता है। और अच्छा काम करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट में टिकला सीखिए। इतना सीखने के बाद बिलीव करिए आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाओगे। आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत मैं पार्ट टाइम भी करना चाहता हूँ बीम के दुनिया में, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। आप 3ds मैक्स सीख लीजिए, इंटीरियर डिजाइनिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, मॉडलिंग करके जो एक्सटीरियर मॉडलिंग होती है उसको करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये पूरा मैंने सेट तो ऑलरेडी दे रखा है। उसके अलावा भी अगर क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सर से नहीं सीखना है, किसी और से सीखना है, तो देखिए, बट इतने पैसे मत डालिए। पैसे इतने यार, पैसे की कीमत समझते हो? मतलब अगर तुम 1.5 लाख रुपए दे रहे हो ना, तुम्हारी सैलरी अगर 15,000 रुपए में भी लगती है, इनकेस जो लोग बोल, पहली बात तो याद रखो कोई भी तुमको जॉब नहीं दिलवाएगा। सभी बोल सकते हैं, बोलने को मैं भी बोल दूं कि यार तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा मैं। कैसे लगवा दूंगा? मैं कौन होता हूं? अगर किसी की कंपनी है वो बोले कि भाई क्वालिटी को लूंगा कि तुम्हारे पैसे को लूंगा,
मैं किसी को बोलूँ कि 10,000 रुपये ले लो, इस बंदे को हायर कर लो, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मैं अपनी कंपनी पर बात करूंगा, मुझे टैलेंटेड बंदा चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए, 10,000 तुम लो, मुझे टैलेंटेड बंदा दे दो, ठीक है। तो कंपनी में आदमी को ग्रोथ चाहिए होता है, पैसे नहीं चाहिए होता है। सो अगर कोई बोल रहा है कि आपको इतना फी देने पर एक फिक्स जॉब मिल जाएगी, मिल जाएगी, दैट इज टोटली फेक। अगर इस पर आप भरोसा कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँ, कौन गधा है कौन बेवकूफ है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो। उसके बाद गाइस इसमें दूसरा आपको जो प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे कि बीम के अंदर अभी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डोर के अंदर जैसे सेंसर लगा होता है, आप खड़े होते हो डोर ओपन हो जाता है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, कैसे यूज होते हैं। आप लोग ऑफिसेस में जाते हो, बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक से तुरंत पंच हो जाता है, ये सब बीम की टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। अभी कई ढेर सारे ऐसे मॉल्स हैं जिसमें आप खड़े होते हो तुरंत लाइट जलने लगती है, खड़े होते हो तुरंत लिफ्ट चलने लगती है। दी ऑटोमेशन कम अंडर द बीम्स, ये आगे की चीजें हैं। धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करोगे तो वहां पर आप सीखोगे कि हाँ यार ये भी हो सकता है। अभी तो ऐसे ऐसे सेंसर्स आ गए हैं कि एक जगह बैठ के पूरी सोसाइटी का लाइट क्या बोलते हैं कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे सोसाइटी के कैमरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। दीज आर द टेक्नोलॉजीज कम अंडर द बीम्स, और आगे ये बीम बढ़ता चला जाएगा। अभी LOD 300, LOD 400, LOD 500 तक बहुत अच्छी जॉब इंडिया में मिल रही है। आगे LOD 600, 700 पे भी आपको जॉब देखने को मिलेगी। 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D अगर आपने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, फिलहाल तो मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, और इसके साथ स्कैन टू बीम है, बीम 360 है, सब इसी के अंदर आता है। तो अगर ये सब आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं तो आपकी जॉब फिक्स है, क्योंकि बीम के अंदर बहुत वेराइटीज़ है गाइस। तो मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूँ जिससे कि आपका भला हो सके और आप समझ सको कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। होप आप इस चीज़ को समझ पाओगे। उसके अलावा बीम में सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो है। बीम की जॉब किसी से नहीं मिलती है, इवन सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है। मैं जो सर्टिफिकेट देता हूँ कोई मतलब का सर्टिफिकेट नहीं, मत लो सर्टिफिकेट, फिलहाल तो मैं देता हूँ क्योंकि हर कोई देता है, इसलिए मैं तो ISO सर्टिफाइड दे देता हूँ, बट उसका कोई यूज नहीं। यूज है आपके पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो मतलब आउटपुट। अब बोलो सर कोई पोर्टफोलियो दिखाओ अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का, तो यूनिसिविल एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पे पूरा एक सेक्शन बना दिया है। 8-10 मेरे स्टूडेंट्स का मैंने सैंपल डाल दिया है, और चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, बाकी 8-10 भी बहुत है आपको देखने के लिए। जिसने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया आज वो एक से बढ़ के एक कंपनी में हो और 4.5, 4.8 के पैकेज पे है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बीम में आप सोच सकते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट नहीं है। दिल से आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे कि आपका भला हो सके और आप ये समझ सको कि व्हाट इज जेन्युइन, मतलब जेन्युइन क्या होता है, इस चीज को समझ सको तो शायद आपके लिए भला होगा। और दूसरी चीज फिर से बोलूंगा कि रेबिट पर ढेर सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। रेबिट आर्टिस्टर पर इतना प्रैक्टिस करिए, इनस्केप का रेंडरिंग यूज करिए, वीरे का रेंडरिंग यूज करिए, वैसे इनस्केप ज़्यादा अच्छा है, रेंडरिंग यूज करिए, मींस आउटपुट को बेहतर बनाइए, आपको जॉब अच्छी से अच्छी मिल सकती है अगर बीम में आप सोच रहे हो तो। और सबसे अच्छी बात कि जॉब के साथ आप इसमें पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा कर सकते हो। Fiverr.com पे, Upwork.com पे 3D मॉडलिंग के बहुत ढेर सारे काम है। आप अपने एरिया में देखोगे बहुत ढेर सारे आर्किटेक्ट हैं, बहुत ढेर सारे बिल्डर्स हैं, बोलते हैं यार एक 3D बना के दोगे क्या, एक 3D बना के दोगे क्या, सब बीम के अंदर आ जाता है। सो बीम एक ऐसी प्रोफाइल है कि जहां पर आप अंदर से पैसे कमाओगे ही कमाओगे, मीन्स जॉब करके, उसके साथ ही साथ बाहर से कोई गलत काम करके नहीं, मेहनत करके आप पैसा बाहर से भी कमाओगे। महीने में 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट भी कर दिया तो आपको 25,000 से 30,000 रुपए फिक्स है बीम के अंदर, इतना पावर है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद जय भारत। और कुछ बीम के अंदर डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792621121, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, और अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको कॉल बैक भी करके सजेस्ट कर दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।